राशि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस स्टार्ट किए अल्जेब्रा के, तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीटेट और रिट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो तक बनी रहे, अगर अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपके जितने भी मैथ्स के डाउट है, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और आप इजिली अपने मैथ का कोई भी फोबिया ना रहे किसी भी स्टूडेंट को, और इजिली अपने मैथ का पेपर उसको क्रैक कर पाए। 30 out of 30 का हमने टारगेट बनाया है अपने मैथ का। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस टाइप का क्वेश्चन भाई देखने को मिलते हैं, पक्का मिलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फर्स्ट, ओके, एंड सेकंड पार्ट इज एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स रेज टू द पावर फोर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले ये देखो हमें क्या चीज निकालनी है, जो चीज निकालनी ना उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। अब हमें क्या चीज निकालनी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, बीच में साइन की स्क्वायर प्लस का साइन है भाई, यहाँ पे भी देखते तो यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब स्क्वायर कैसे आता है, कल मैंने आइडेंटिटी बताई थी अल्जेब्रा की, क्या होती है कि फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है तक? अगर हम देखें तो हमारी जो ये वैल्यू है कुछ इस तरह नहीं दिखाई दे रही हमें कि a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 1 by x। अगर उनको स्क्वायर करते हैं तो हमें कुछ x का प्लस 1 by x का आ जाएगा। तो हमें यही चीज निकालनी इस आइडेंटिटी से आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगी। तो हम इसी आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं क्वेश्चन को, कैसे, सेम एज आपने क्या करना है, x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 by x का होल स्क्वायर 1 by x स्क्वायर। क्लियर है तक? प्लस में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई a, a क्या हो गया, वेयर इज x एंड b इज 1 by x, x x क्या हो गया कैंसिल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब x प्लस 1 by x की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, यहां पे क्या चाहिए, क्या बचेगा, 2, ये 2 इस साइड ले जाएंगे हम, 4 out of 2 क्या हो जाएगा, 2 is equals to x square plus 1 by x square, that is your answer। हमें क्या निकालना था, x square plus 1 by x square की वैल्यू निकालनी थी और हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है तक? सेकंड पार्ट में देखो अब क्या है, x की पावर 4 है भाई। अब x की पावर 4 कैसे आएगी, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, किसका स्क्वायर, जो हमने निकाला है अगर उसी का स्क्वायर कर दे हम, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो हमें ये मिल जाए भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर एंड बी इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है हमें वैल्यू क्या निकाली है, 2 निकाली है ना, तो 2 यहां पे पुट कर दें, 2 2 जब 4 इज इक्वल्स टू That is x की पावर 4 प्लस 1 by x की पावर 4, पता है ना 4 कैसे है, 2 2 जा 4 प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, 2 बच गया, ये 2 इस साइड आ जाए, क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 by x की पावर 4 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 2, दैट इज योर आंसर। दोनों केस में जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, हमारा 2 आया। आई समझ में कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था आपका, इंपॉर्टेंट भी और वेरी सिंपल भी क्वेश्चन। पहले ये देखो कि आपने क्या चीज निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। कि ये देखो क्यूब पूछा हुआ है या स्क्वायर पूछा है, अच्छा आप दिमाग में आ रहा हो भाई ये तो स्क्वायर ले लिया। अगर इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फुल एनर्जी के साथ हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे तैयार करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को मैथ में कोई भी डाउट ना रहे। अगर क्यूब आ जाए, जैसे कि मेरे पास था क्वेश्चन 1/x की वैल्यू क्या थी, 2 ले ली और बोले फाइंड करो क्या x की पावर 3 प्लस 1 by x की पावर 3। अब देखो इसमें x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 है, कैसे निकलेगा भाई, q
क्यूब आ गए, तो ये समझ लो इससे क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे है कि नहीं, क्या कर देंगे हम, क्यूब क्यूब कर दिए हमने। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है बिल्कुल भी। हमने क्या किया, x प्लस वन बाई एक्स का क्या लेके चले, हम क्यूब लेके चले, क्यूब लेके चलो तो आगे कैसे हो जाए क्वेश्चन भाई, यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारे क्यूब क्या, तो एक एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है, टू है ना, तो टू का क्यूब क्या हो जाएगा एट, और ए प्लस बी होगा होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी। देखो कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए हम इनको वैल्यू को ओपन कर देंगे, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी एंड ए प्लस बी हो गया। ओके, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है, टू, टू का क्यूब क्या होगा भाई एट, अब मुझे तो पता था टू का क्यूब क्या होता है एट, क्यूब का मतलब क्या होता है कि जो बेस गिवन है उसको थ्री टाइम्स मल्टीपल कर दो, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की पावर थ्री प्लस कैंसिल आउट, थ्री वन जो थ्री, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है टू है, पुट कर दिया हमने, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स से सेवन लो, एट आउट ऑफ सिक्स कितना होगा, टू इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स की पावर थ्री, ये चीज अभी हमारे पास, यही हमें निकालना था, दैट्स ऑल। कितना इजी सा क्वेश्चन था जो आपने कर लिया। अच्छा अब क्वेश्चन में आ जाए, देखो अब हम काफी टाइप का क्वेश्चन निकल निकल के आ रहे दिमाग में, अगर क्वेश्चन में आ जाए x की पावर 6 निकालो प्लस 1 बाय 6 निकालो, इसको कैसे करोगे, वेरी सिंपल है भाई, इसी में हमने देखे पहले कि x की तो हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 टू द 6 लिख सकते हैं। अब हमने देखो ये वैल्यू निकाल ली यहां पे, अब इसी का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो x3 प्लस 1 बाय x3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बाय x की पावर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 एंड यहां पे क्या हो जाएगा x3 प्लस 1 बाय x3, ठीक है, इससे आप बड़ी बड़ी 18 आ जाए 17 आ जाए 9 10 कुछ भी आ जाओ इजीली निकाल लोगे, ठीक है। अब x3 प्लस 1 बाय x3 की वैल्यू क्या है 2 है और यहां पे क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे 4 इज इक्वल्स टू x6 प्लस 1 बाय x6 प्लस 3 एंड x3 प्लस 1 बाय x2 की वैल्यू क्या है 2 भाई यहां पे 2 पुट कर दो 3 2 जा 6 6 से सेट लियो 6 आउट ऑफ 4 क्या होगा माइनस 2 दैट इज योर आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप आपको इसको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, अब इस क्वेश्चन दिमाग घूमेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई x निकाल, क्वेश्चन कैसे निकलेगा देखो, हमारे पास x प्लस 1 बाई x गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर गिवन है, निकालना क्या है x माइनस 1 बाई x निकालना है। अब दो वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, दो वैल्यू क्या आपके पास नेगेटिव गिवन है, तो हम क्या कर भाई, दो वैल्यू पॉजिटिव है और निकालने के हमें नेगेटिव में, अब कैसे करेंगे माइनस कैसे आए आपके पास भैया, अगर हम माइनस का स्क्वायर लेके चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें, बट इसका अगर रोल चाहिए हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स का भी, तो कैसे करेंगे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, क्लियर है तक, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 4 आपके पास, तो 4 वैल्यू पुट कर दें कितना भी हमारे पास 4 4 जस्ट 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 10 प्लस ये तो क्या हो गया 2 के तो सारे कैंसिल हो गया, इसमें
रखो इसको, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया टू। इसको तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसी तरह हम सेम निकाल लेंगे माइनस का, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो गया टू। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसको क्या मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे कर लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर, फोर फोर जो 16, और ये हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं क्योंकि ये तो हमें निकालना था, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना होगा टू एक्स स्क्वायर हो गया, वन बाई एक्स और वन बाई एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया टू हो गया, टू कॉमन निकाल लो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10, 10 टू जो 20, 20 साइड ले आओ या 16 को साइड ले जाओ तो आपके पास आ जाएगी x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 आउट ऑफ 16 क्या बच गया 4, इसका स्क्वायर रूट कर दो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, आज इस मध्य दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि x प्लस वन बाई एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, निकालना क्या अभी एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है, हमारे पास प्लस की वैल्यू भी वन है और माइनस हमें निकालना है, तो माइनस को ध्यान में रखते हुए चलना है कि प्लस के केस में माइनस कैसे निकल सकता है, क्या क्या पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लिया हमने, देन उसके बाद हमें वैल्यू पुट नहीं करनी, ध्यान रखना इस चीज का, वैल्यू पुट नहीं करनी है, एक बार तो प्लस का लगा लिया और एक बार किसका लगा लिया माइनस का, दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया प्लस करने के बाद 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल, इन दोनों क्या कर दिया प्लस, इनका भी क्या हो गया प्लस, LHS और RHS को प्लस कर दिया, ओके x plus 1 by x की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड x minus 1 by x हमें निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेके चल रहे थे, मैंने बोला था कि क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। ठीक है, अब माइनस मुझे मिल गया है, वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर रही 10 टू 20, 16 को साइन लेके 4 आ चुका है, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और हम सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, एंड इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या लग जाएगा प्लस माइनस, और क्या 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो आंसर क्या गया प्लस माइनस 2 आ गया आपके पास। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हम किस टाइप से निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, लेकिन बट क्वेश्चन पेपर भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगर आपके पास इस टाइप का है 2x plus 3y is equals to क्या गिवन है 10 and xy is equals to क्या गिवन है भाई आपके पास 5, आपको निकालना क्या है फाइंड करो 4x square plus 9y square, दैट इज ये क्वेश्चन आया हुआ रिट में आया हुआ भाई, ये क्वेश्चन रिट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे वेरी सिंपल, पहले देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको जो है 4x square plus 9y square निकालना है, अब देखो 4x square plus 9y square आपको कैसे मिलेगा भैया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ इसलिए हमें मिल जाएगा, स्क्वायर कर देते हम इसलिए 2x plus 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायर किया तो भाई 10 का भी होगा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3 3 जो 9y स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जो 4 4 3 जो 12xy इज इक्वल्स टू क्या हो गया 100 एंड xy की वैल्यू क्या है 5, तो दैट्स व्हाई क्या आ गया हमारे पास 60, तो 4x plus 9y स्क्वायर प्लस 12 5 60 इज इक्वल्स टू 100, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास
100 आउट ऑफ 60 40। तो आंसर क्या आ गया भाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40 आ गई। क्लियर है तक? वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको क्या निकालना था। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, अगर इफ p प्लस 1 बाई p की वैल्यू 12 आ जाए और बोले फाइंड p माइनस 1 बाई p निकालो, इसको कैसे निकालोगे आप लोग? सेम जो हमने अभी किया था क्वेश्चन उसकी तरह चलेंगे, कर ले क्वेश्चन भाई, इसको स्क्वायर कर दे पहले हम। तो p प्लस 1 बाई p का होल स्क्वायर निकालो, ठीक है? तो 12 का स्क्वायर भी हो गया 144, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आउट ऑफ 2 क्या होगा 142। अब यहां तक तो आ गया, निकालना है क्या, पी माइनस पी नहीं सॉरी पी माइनस 1 बाई पी निकालना है। अब p माइनस 1 बाई पी कैसे निकालेगा भाई? माइनस का केस किस में मिलता है, बस हमें एक ही चीज में मिलेगा और वो भी a माइनस b के स्क्वायर से, p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर प्लस में 2। अब हमें पता है भाई, 2 पता नहीं कैसे यार मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि p मल्टी फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होता है। तो a की वैल्यू p है, b की वैल्यू 1 बाई p, p से p कैंसिल होगा तो वहां से 2 आ, तो कंफ्यूज मत होना। p स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 142। तो कुछ नहीं करना, ओनली आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, 142 प्लस में 2 तो क्या आ गया 144, मतलब p माइनस 1 बाई p का होल स्क्वायर क्या गया 144। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 12 का होता है। तो वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12, मतलब p माइनस 1 बाई p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12 आ चुके आपके पास। क्लियर है तक? आई होप आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टेड है ना आपके सारे, तो इंटरेस्ट तो आएगा ही क्वेश्चन में, कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है और फटाफट क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट भी बहुत बड़ा इजी है। ओनली ये देखो कि फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन रिट में आया हुआ है भाई, क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिट का है आपका, और रिट की बात करें तो रिट के एडमिट कार्ड पे आउट ऑफ हो चुके हैं। तो जिन्होंने अपना एग्जाम सेंटर नहीं देखा है कि कहाँ पे आया, तो अपना एडमिट कार्ड निकलवा ले और देख ले सेंटर वहां का कहाँ कहाँ आया है। x plus y is equals to 20 and x y is equals to क्या आ गया 84। Find the value of x square plus y square। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालना सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दो। x plus y का होल स्क्वायर is equals to 20 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x square plus y square plus 2xy 20 का होल स्क्वायर भाई 400 होता है। तो x square plus y square plus 2xy, xy की वैल्यू क्या है 84, तो 2 multiply 84 is equals to क्या हो गया 400। तो x square plus y square is equals to 400 minus 24 जा 8 and 28 जा 16, माइनस करो 10 आउट ऑफ 8 2, 9 आउट ऑफ 6 3, और 3 में से एक या दो, ठीक है 3 में से हमने एक को हटा दिया, क्या बच गया 2 बच गया आपके पास। तो आंसर क्या आ गया 232। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी 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 इजी क्वेश्चन आपका, ठीक है? और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन, ये भी रिट में आया हुआ क्वेश्चन आपका, अगर आपके पास आ जाए व्हाट मस्ट बी एडेड व्हाट मस्ट बी एडेड एक्स बाय वाई टू वाई बाय एक्स, ठीक है? स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है आपकी, इस प्रकार है, टू नहीं टू गेट ले लो, टू गेट y by x। अब x by y में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, y by x मिल जाए। अब लगाओ दिमाग, कोई नंबर ले लिया, अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो उस नंबर को हमने क्या मान लिया, मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ x, सॉरी ये मान लिया क्योंकि x के फॉर्म में तो है, हमने कोई एक नंबर ऐसा मान लिया जो किसके फॉर्म में, आपका a के फॉर्म में। अब उस नंबर को हमें ऐड करना है, किस में ऐड करना है, x बाई वाई में ऐड करना है।
गेट वाज एज इज, अगर ये ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट आ जाए तो ये मतलब वहां पे इक्वल टू का साइन एंड वाई बाई क्या हो गया एक्स। यहां तक क्लियर? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y by x, प्लस है इसका चलेगा क्या होगा माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि जी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा मैथ का। भाई ऐसे हम ले हमने एक्स वाई, एक्स को हमने एक्स वाई से डिवाइड किया, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या वाई, वाई जो बचा उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है अगर जिनको आप एक्स बाई वाई से ऐड करते हो तो हमें इजिली वाई बाई एक्स मिल जाएगा। क्लियर यहां तक? क्लियर आपको सब कुछ क्वेश्चन? कोई डाउट यहां तक नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इरेज कर देते हैं इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास कि x plus y is equals to a given है and x y is equals to क्या b given है और आपको निकालना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करोगे? 1 by x cube plus 1 by y cube। अब आएगा मजा, अब घूम गए वो दिमाग कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, ओनली आपको क्या देखना है जो मैंने बोला था कि जो प्रूफ करना है ना उसी चीज को ध्यान में करते हुए चलो। एक मिनट, तो क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसी को ध्यान करते हुए चलते जाएंगे। अब निकालना क्या है, 1 by x cube plus 1 by y cube, ऐसे ले लो इसका x cube y cube, यहाँ पे क्या बच गया y cube plus में यहाँ पे क्या हो गया x cube। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है, फॉर्मूला हमारा इस टाइप का होता है। हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, भाई x क्यूब एंड y क्यूब की जगह हमने रख लिया a प्लस b, मतलब x प्लस y, a क्या हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या हो गया y स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया x क्यूब एंड y cube। अब देखो x plus y की वैल्यू क्या है, भाई a है, वैल्यू पुट कर दें, a रख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया x square plus y square और x y की वैल्यू क्या है b है, और x cube y cube मतलब x y का होल क्यूब है, x y की वैल्यू क्या b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b cube लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, x cube और y cube को हम लिख सकते हैं, इजली लिख सकते हैं। अब बचे हमारे पास क्या, x plus x square plus y square बच गया। अब देखो ये क्या है, x plus y square तो क्या a है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x plus y का whole square is equals to x square plus y square plus 2xy, ठीक है, तो x square plus y square की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को समझना, x plus y का whole square minus 2xy, ठीक है, और x plus y की वैल्यू क्या a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास a square minus 2xy मतलब 2b, तो a x square plus y square की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x square plus y square की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, a square minus 2b minus ये b already था, अपॉन में क्या आ गया b cube। तो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार आपका आएगा, क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, 3b अपॉन में क्या हो गया b क्यूब, ओपन कर सकते ब्रैकेट को, a क्यूब माइनस 3ab अपॉन में क्या हो गया b क्यूब, दैट इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन दोबारा समझा देती हूँ, कैसे क्वेश्चन को मैंने निकाला है, भाई क्या फाइंड करना था, हमने 1 by x क्यूब प्लस 1 by y क्यूब निकालना था, पहले क्या लिए इनका एलसीएम लिया, यहां तक कर लिया सॉल्व, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, भाई a की जगह हमने x पुट कर दिया, b की जगह हमने y पुट कर दिया, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी। खेले यहाँ तक, अब हमारे पास क्या गिवन है कि x प्लस जो y है वो गिवन a, a हमने पुट कर लिया,
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास कुछ मेंशन नहीं, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या है, बी है। फिर यहाँ तक खेल खत्म। अब हमारे पास सारे जो टर्म है वो ए और बी में आ रहे, बट इसको छोड़ के अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये देखा कि स्क्वायर के फॉर्म में इसकी वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, मतलब ए की जगह एक्स रख दो बी की जगह वाई रख देते हैं, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, a a स्क्वायर हो गया, 2xy मतलब 2b हो गया, एंड हमें पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है a स्क्वायर माइनस 2b, एंड हमने वो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। माइनस में b ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका यूज होगा, आपको माइनस का यूज होगा, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए क्यूब माइनस 3ab अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है तक? तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं, एक्स वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताने कि आपके क्या डाउट्स हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।